मेरा वीडियो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो ये वीडियो बहुत अलग सी होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में कहीं से भी आवाज आ सकती है। आजकल तो मैं अलग कमरे में वीडियो बना रही था, मेरे में कुत्ते की कूड़े वाली गाड़ी की आवाज नहीं आ रही थी, अब आपको छोटी मोटी सारी आवाजें आएंगी क्योंकि अभी लाइट नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मली घर के मोहल्लों में लाइट नहीं है, लेकिन छोड़ो ये वाला सीन, हटाते हैं। थोड़ी कॉफी, टी शर्ट भीगी भीगी है, सब काम चला देना क्योंकि ये वीडियो बनने नहीं वाली थी, लेकिन ये बन रही है क्योंकि जब मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान सुन सकती हूँ, कोक स्टूडियो बांग्ला सुन सकती हूँ, कोक स्टूडियो भारत कैसे नहीं सुनूंगी मैं, अपना भारत के बारे में सुनूंगी। लेकिन सुन तो ली थी, वो भी सुन लेती मैं, पर थोड़ी पार्शियलिटी ये हो रही है कि कमला देवी जो अभी जो गाना आया है वो कमला देवी का है, और वो है उत्तराखंड से। अपन कहाँ से? उत्तराखंड से। पहाड़ी गर्ल कहाँ से? उत्तराखंड से। और वो है बागेश्वर से। अपन लोग थोड़ा सा और जगह से आ जाते हैं कि उत्तराखंड के बागेश्वर से है, ठीक है। तो थोड़ा सा मन करा, मैंने कहा यार ये किस तरह का कॉम्बो होने वाला है, ऊपर से वो ट्रेंडिंग में भी आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, एक तेरा नाम जिससे है तो उसको तो मत भूल, आ जा फटाफट से वो गाना लेके, तो आ जाओ सुन लेते हैं। पहाड़ी गाना मैंने कोई एक नहीं किया, लेकिन करो तो फिर बड़े से ही करो। और आज तो बिल्कुल अपने लोकगीत टाइप की, अपनी बिल्कुल लोकगीत की प्रसिद्ध है वो गायिका, उनके उससे करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। शुरू हो गया। सोना चाहती। ओ हो हो, शुरू कितनी प्यारी चीज से हुआ है ना, बताती हूँ। मतलब मैंने सारे अपने दुख ले लिए, बस तेरा ही दुख रह गया है अब। दुख रह गो तेरो। हाँ, अरे यार इसके बारे में कितना ही बोल सकते हैं, बताऊंगी। तू पूर्णिमा की वो है, मूनलाइट है, ठीक है। मतलब देखो कैप्शन से तो पूरा समझ में आ रहा है, मतलब तू सुबह पुण्यों को जून, तो मतलब तू पूर्णिमा की चांदनी है, ठीक है। पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है, सब टाइटल कितना प्यारा प्रोवाइड किया उन्होंने। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं पहाड़ी हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे टिपिकल पहाड़ी वर्ड होते हैं जो हमको भी नहीं आते हैं, है ना। लेकिन इतना सही बनाया ना, मैं पूरा इसका वो ही डालूंगी इस रिकॉर्डिंग में, कि अब बता देती हूँ गाने के बीच में बोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्या, क्योंकि गाना जो आपको स्टूडियो दिख रहा है ना, इसका स्टूडियो ऐसे वाले खेत नहीं दिख रहे, सीढ़ीदार खेत, ये हमारे पहाड़ों में होते हैं, तो सीढ़ीदार खेत होते हैं, मतलब ऐसे घास, फिर एक सीढ़ी ऐसी घास लगेगी, फिर घास लगेगी, तो उस तरह का पूरा सेटअप है जो उन्होंने पहना है। इतनी बड़ी नत, पहाड़ियों की बिल्कुल फेमस नत होती है, जो मेरी डीपी लगी है ना उस पर भी देखना, मैंने नत पहनी हुई है, जो मेरी वो प्रोफाइल है इसमें एकता पांडे रिएक्शन से बगल में जो छोटी सी डीपी होगी मेरी, उस पर भी मैंने जो पहाड़ी वाला गेटअप ले रखा है उसमें मैंने पूरी नत पहन रखी है। आप गेटअप देख लो, उनका जो गाना उठा है, हा, 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 ये तो बहुत ही ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ बीट इस टाइप की। तो ये जो कमला देवी हैं, ये बागेश्वर की है ना, मतलब इनके तो पूरा पूर्वजों से ही गाते हैं, ठीक है। इस तरह के लोकगीत, झोड़ा चाचरी होता है ना हमारे यहाँ, ऐसे गोल बना के घूमते हैं, ठीक है, उसमें पूरा लोकगीत गाते हैं और उसके साथ पूरा डांस होता है। ठीक है, ना 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 ना। तो ये सारी चीज़ों की माहिर हैं ये, तो मैं बता दूँ थोड़ा थोड़ा कि इस तरह की चीज़ें, ये एक तो अपने यहाँ से आती है तो ज़्यादा है, और गाना बहुत ही प्यारा उठा है, इनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इनके वजह से लग रही है। हाँ
पहाड़ी में स्टेप होते बोले चंदा जैसा मुखड़ा मेरा तू मेरा चकोरा तू मेरा चकोरा तेरे फूलों के रंग उड़ी सोचड़ी तू मेरा भवरा बावरा थोड़ा भवरा में नेहा कक्कड़ ने अपना वाला फील डाल दिया ये आवाज है आधी रात के बीच में घूम रहे होंगे मैंने रात को एक सपना देखा ये सारी वॉइस देखो ना मिलके बन रही है वाओ यार लड़की की उम्र मैंने सपने में राजू लीराम की बहुत प्यारी लड़की देखी आज चला राजुली बेवाल होला लास्ट में वो लाइन बोली कि बेटा तेरी राजुली से शादी करा देंगे हम ठीक है तो प्यार पहले बैकग्राउंड हटाओ तो मेरा फिर आ रहा है क्या हाँ एक तो यार बहुत ज्यादा क्लोजअप हो चुका है और पता नहीं आज इस तरह की वीडियो बना रही हूँ ना मैं कि कहीं से भी कोई बोल रहा होगा मेरे को नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ऊपर से इनकी आवाज ऐसी है ना कि मैं उसके साथ कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ देख रहे हो मतलब मेरे से नहीं हो रहा वो बहुत तगड़े वो होती हैं जैसे मुर्गियाँ लेते हैं ना हम लोग गला बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए वैसा गला है उनका यार तो इतनी मैं बता देती हूँ इस गाने में सब बहुत कुछ अच्छा हुआ है ऐसा नहीं है पहाड़ियों वाली चीज़ों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कही है नेहा कक्कड़ ने भी मतलब सूट कर रहा है यार पहाड़ी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ख़राब नहीं किया उन्होंने सही गाया उन्होंने और थोड़ा एक दो जगह पे जो थी मैं कह रही थी वो वाला अपना वो डाल दिया वाला जो उनका थोड़ा टच आता है नेहा कक्कड़ का थोड़ा वो टच था एक दो लाइन में बाकी इनके भी प्रोनाउंसिएशन में कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लग रही थी वो लड़के वाली लाइन भी बहुत अच्छी आई थी मैं एक सांस में बोल रही हूँ तो वो लड़के लाइन भी बहुत अच्छी आई थी सारे जो को सिंगर हैं उनका ड्रेसअप देख लो आप वो परांदा वाला मतलब ये तो आपको मेरे डीपी से दिख जाएगा है इस रिएक्शन में तो मेरा रिएक्शन बनता था भाई मैं क्यों लेट हो गई मेरे को पता नहीं चला मतलब मैं कल ही कर देती इसको रिएक्ट कि जो मैंने देखो मैंने ऐसे परांदा टाइप का पहन रखा है ऐसे करके ठीक है तो उन्होंने भी उस तरह का गेटअप ले रखा है और मुझे सबसे अच्छा लगा इनका प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया ना वो सीढ़ीदार खेतों की तरह रख रखा है उन्होंने कोक स्टूडियो भारत ने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा काम ना 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 ये ठीक है ये चीज़ें होती है पूरे पहाड़ी हम ऐसा नहीं है ये एक गाने की बात हो रही है मोस्टली गाने में हम क्या यूज़ होता है हमारा ना 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 ऐसी वाली चीज़ें यूज़ होती है ठीक है तो एक दो स्टेप भी हो जाता है मज़ा आ जाता है ना तो कह रहे दो चार पहाड़ी लेकिन ठीक है वो गाने पे ही है परिधान देख लो पिछौड़ा पे ओढ़ रखा है उन्होंने ऊपर से पिछौड़ा ही ओढ़ा था और इतनी बड़ी नथ हो गई ठीक है और गाना बहुत प्यारा है गाने में सबसे बड़ी बात तो हिंदी में भी सबटाइटल इंग्लिश में भी सबटाइटल और प्रोनाउंसिएशन में कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा गंदा वाला टच दे दिया नहीं मजा आया तो बढ़िया लगा है गाना और
प्लीज पहाड़ी लोग तो वैसे फेयर शेयर करो ही, लेकिन जो लोग ऐसे फोक सॉन्ग सुनने के वो हैं तो वो भी सुनो, मजा आएगा आपको सुन के, बड़ा अलग टच लगता है। किसी भी तरह की क्या कहते हैं उसे, परंपरागत चीज़ें जो होती है ना उनमें घुस के आता ही है मज़ा, वो म्यूज़िक कहीं भी आपको डिसअपॉइंट करता ही नहीं है। तो सुनो, नहीं भी हो तब भी सुनो, मज़ा आएगा सुन के। तो अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, तो लाइक मारना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जल्दी एडिट करके डाल रही हूँ बस। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।